हे गाइस, दिस इज अरशद एंड यू वॉचिंग अरशद सी समथिंग न्यू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, डेफिनेटली जानते होंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको बनाया जाता है बट उनका यूज़ इतना नहीं होता जितना लगता है कि वो चीज़ जिस वजह से बनाई गई होगी उसके लिए वो यूज़ हो। सो गाइस, ऐसे हम एक प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं, एंड ये प्रोडक्ट आता है रियलमी की तरफ से, ऑफिशियल रियलमी जो कि एक फ़ोन ब्रांड है, ठीक है। तो इसका एक हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसको मुझे नहीं लगता और हो सकता है आपको भी ना लगे कि इसकी यहाँ पर ज़रूरत है या फिर इसे मार्केट में लॉन्च करने की ज़रूरत है या फिर लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो प्रोडक्ट का नेम है रियलमी टाइप सी सुपर डार्ट गेम केबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको टाइप सी और गेम केबल का नाम आता है या सुनाई देता है तो आप क्या सोचेंगे? फर्स्ट थिंग, मैंने जो फर्स्ट टाइम सोचा था ऐसा नाम सुनकर, तो मैंने सोचा था कि टाइप सी होगी, गेमिंग केबल होगी, उसमें होगा भाई एक 3.5 mm जैक का ऑप्शन, यानी कि हम एक साथ फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे एंड 3.5 mm जैक लगाकर गेमिंग कर पाएंगे। सीरियसली, मुझे फर्स्ट टाइम सिर्फ यही दिमाग में आया था, एंड आई नो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। जब भी आपने सुना होगा रियलमी टाइप सी सुपर डार्ट गेम केबल, आपके दिमाग में भी यही आया होगा कि गेमिंग केबल है तो चार्जिंग भी होगी और इसमें 3.5 mm जैक का भी ऑप्शन होगा। सो गाइस, जब हमने इसको ओपन किया एंड देखा इसके बारे में कि सीन क्या है, सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रही वो केबल एंड कुछ पिक्चर्स इसकी ये रही, जैसा कि आप देख लो, ठीक है, देख लिया आपने ऐसा। अब गाइस, जब हम इसके नीचे साइड गए और हमने देखा कि ये केबल क्या है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप सी केबल है, एंड सुपर डार्ट की बात करें तो ये एक फास्ट केबल है, फास्ट चार्जिंग वाली केबल है जो कि हमें मिलती है 65 वॉट के चार्जर के साथ, जो रियलमी के फ़ोन्स आते हैं सुपर डार्ट वाले, ठीक है। तो इस केबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टाइप सी केबल है, मतलब ये टाइप सी पोर्ट है जिससे आप फ़ोन चार्ज कर पाएंगे। एंड गाइस, हमको एक और केबल दी जाती है और चार्जर के साथ में, जो कि ये है, ये भी एक टाइप सी केबल है। सो गाइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो गाइस, चलो अब आपको हम बता दें। सो गाइस, डिफरेंस क्या है? जब भी हम गेमिंग करते हैं और जिनके फ़ोन में 3.5 mm जैक का ऑप्शन नहीं होता है, तो मोस्टली उनका जो पिन होता है या फिर टाइप सी का ऑप्शन होता है वो बीचों बीच होता है। तो हम गेमिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके के से करते हैं, एंड हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर हम सीख जाते हैं कि जो हमारी चार्जिंग की पिन है वो यहाँ पे है, तो हमें फ़ोन को कैसे पकड़ना, एंड आराम से दो तीन दिन में हम एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये लॉजिक नहीं लगा भाई लॉन्च करने का कि यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप सी केबल है जो कि सिर्फ इस तरीके से लग जाए एंड आप गेम खेल पाएँ, सीरियसली। और यहाँ पे एक इन्होंने LED लाइट दे दी है, क्या फ़ायदा भाई, कुछ फ़ायदा है इस चीज़ का? और इसकी जो प्राइस है वो गाइस देख लो, 600 रुपये की प्राइस है इस केबल की, और मुझे नहीं लगता और आई होप आप लोगों को भी नहीं लगा कि इसकी ज़रूरत है हमें गेमिंग करने के लिए। हाँ, अगर इसमें टाइप सी के साथ साथ एक 3.5 mm जैक का ऑप्शन होता तो डेफिनेटली इसकी जो प्रोडक्ट मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा होती है, एंड ये बहुत ज़्यादा सेल भी होता। डेफिनेटली मैं भी इसको भाई ख़रीदता, सीरियसली मैं ख़रीदता, मेरे को ज़रूरत है ऐसी ऑफिशियल केबल की जो कि 3.5 mm जैक के साथ में आए और हम फ़ोन को चार्ज भी कर सकें, ठीक। तो इसमें कुछ फीचर्स की हम बात करने वाले नहीं हैं, हम आपको सिर्फ यही बताने वाले हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपनी सोचती नहीं है और लॉन्च कर देती है। भाई क्यों कर देती है, आई डोंट नो कि क्यों कर देती है, बट मुझे नहीं लगता कि इसको आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग करने के लिए। और ये गेम किस काम की है, ये गेमिंग केबल भाई, मोस्ट ऑफ भाई गेम खेलते हैं लोग तो क्या खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसको हम साथ साथ ईयरफोन भी लगा सकें, पबजी जैसे, ठीक है। तो भाई इसका लॉन्च करने का कोई भी यूज़ नहीं है भाई, मेरे को नहीं लगता कि आप इसमें एक रेसिंग गेम खेलेंगे या फिर आप टेंपल रन खेलेंगे चार्ज पे लगा के यूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगती कि ये ज़रूरत है आपको, एंड भाई सीरियसली
कुछ काम की नहीं है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसको मत खरीदिए। जो आपके चार्जर के साथ में केबल आई है टाइप सी, उससे फ़ोन चार्ज कीजिए, इसके बाद खेलिए। इन्होंने गेमिंग केबल बनाई थी तो इसमें 3.5 mm जैक देना ज़रूरी था, ये मेरा ओपिनियन है एंड लोग भी यही चाहते हैं। तो आई होप कि भाई आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। कोई भी मतलब नहीं है इसका लॉन्च करने का और 600 रुपये देने का। भाई मत खरीदना, अगर पैसे जाना तो खरीद लो भाई, बट अगर आप थोड़ा सोचो कि इसकी ज़रूरत ही क्या है भाई, तो मत खरीदना इसको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मैंने बता दिया कि ये फालतू केबल है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ख़रीदने की, और मत ही खरीदना भाई, ठीक है। और भी ऐसे फालतू की चीज़ें आती हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा कि आपको इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि ये क्यों लॉन्च की है, फालतू की चीज़ें भाई मत खरीदना। सो वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो पता है आपको लाइक करना है एंड चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं आपसे एक और न्यू एक्साइटेड वीडियो में। तब तक भाई अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो एंड स्टे हैप्पी। चलो बाय बाय।